हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू दीक्षांत सर्टूटेक। आई एम ज्योति एंड टुडे वी आर गोइंग टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ लाइट लैम्प। आवर सब्जेक्ट इज फन विथ कलर, चैप्टर 6, लाइट लैम्प। आज हम लोग जो पिक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, कलर करने वाले हैं, वो किस चीज़ का पिक्चर है? वो है लाइट लैम्प। सो लाइट लैम्प कैसा दिखता है? फर्स्ट हम लोग लाइट लैम्प को अच्छे से देखेंगे। ओके, सो दिस इज लाइट लैम्प्स। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लाइट लैम्प्स दिख रहे हैं। यहाँ पर एक स्मॉल है, एक बहुत टॉल है, ये एक थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा है, और ये बहुत ही कलरफुल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? लाइट लैम्प्स। लाइट लैम्प्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, है ना? यहाँ पर सारे लाइट लैम्प्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग है, बट सबका नेम क्या है? लैम्प, लाइट लैम्प्स, है ना? तो सबका नेम तो सेम है बट दिखते हैं अलग-अलग। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1, 2, 3, 4 लाइट लैंप्स देखे। यहाँ देखने पे हमें और भी बहुत सारे लाइट लैंप्स दिख रहे हैं। ये सभी क्या है? लाइट लैंप्स। ओके, तो यहाँ हमें एक रेड कलर का लाइट लैंप्स दिख रहा है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है। ग्रीन कलर, येलो कलर, कुछ अम्ब्रेला जैसा दिख रहा है, और ये ब्लू कलर जो ऊपर से है, ये रेड जो लग रहा है कि एक छतरी की जैसा, ये भी अलग सा है, ये भी अलग दिख रहा है, और ये भी, सभी एक दूसरे से अलग अलग है, डिफरेंट है ना? लेकिन सबका नेम क्या है? लाइट लैम्प। सबका नेम एक है बट कलर, डिजाइन, साइज डिफरेंट है। सो इससे हम लोग जानते हैं कि लाइट लैम्प जो है वो किसी एक शेप का या एक साइज का या एक कलर का नहीं होता है, वो अलग अलग साइज का होता है, अलग अलग कलर का होता है ना? अलग अलग साइज के होते हैं और अलग अलग कलर के होते हैं। सो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो जरूरी है, बट यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं वो लाइट लाइट लैम्प है। तो उसका शेप जो है सभी में हम लोग को दिख रहा है कि एक स्टैंड है, उसके ऊपर ही अलग अलग डिजाइन है, तो स्टैंड होना जरूरी है, और बाकी जो है वो अलग हो सकता है, कलर, डिजाइन, साइज। सो जब भी हम लाइट लैम्प बनाएंगे तो कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें ग्रीन कलर ही करना है, येलो कलर ही करना है, ब्लू कलर ही करना है, ऐसा नहीं है। वहाँ अभी हम लोगों से पहले देखा एक कलरफुल था, मल्टी कलर्स का, तो अलग अलग कलर एक हो सकता है, एक से ज़्यादा कलर वाले भी हो सकते हैं। सो हम लोग लाइट लैम्प को अपने मन से कलर कर सकते हैं, अपनी चॉइस से। और लाइट लैम्प बनाना भी है तो वो भी हम लोग अपने चॉइस से बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, ऐसा गोल वाला भी बना सकते हैं, या इस टाइप का भी बना सकते हैं, तो हम लोग अलग अलग बना सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइट लैम्प इन दिस स्टेप्स। तो ड्रॉ द पिक्चर ऑफ लाइट लैम्प, यहाँ स्टेप्स दिए हुए हैं जिन्हें हम लोग वन बाय वन ड्रॉ करते जाएंगे, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर पर्पल कलर का हमें लाइट लैम्प दिख रहा है, उसे ड्रॉ करके कलर करेंगे। तो यहाँ स्टेप है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 स्टेप्स में ये लाइट लैम्प जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो स्टेप वन में ये जो है एक लाइन इस तरह से है, सेकेंड लाइन इस तरह से, ओके, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे राउंड टाइप का है, और नीचे से ये स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट यहाँ पर ये इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद इसके स्टैंड के लिए ये पाइप है। नेक्स्ट यहाँ एक बॉल है, बॉल के किनारे इस तरह से सर्कल बना हुआ है, जिसे इस तरह से बनाना है। ओके, सो बहुत इजी, बहुत ही कम स्टेप में हम लोगों ने इस लाइट लैम्प को ड्रॉ कर लिया। नाउ वी कलर। सो हम लोग यहाँ डार्क ब्लू कलर जो है उसे यूज करते हैं इसे कलर करने के लिए। तो फर्स्ट हम लोग करेंगे आउटलाइन। आउटलाइन जो है वो बहुत ही केयरफुली किया जाता है, नहीं तो सारा पिक्चर जो है वो खराब हो जाएगा। इस तरह से इसे कलर करेंगे। ये हो गया। ओके, नाउ वी फिल कलर। ये हो रहा है हमारा लाइट लैंप। ये जो इसी पार्ट में लाइट जो लगी रहती है, और जिस कलर का ये पार्ट रहता है उसी कलर से पूरा जो रूम है वो दिखने लगता है। जैसे ये ब्लू कलर में है तो वो पूरा रूम जो है वो ब्लू ब्लू दिखने लगेगा। इस तरह से, ठीक है, हो गया। ओके, सो इस टाइप से इसे कलर कर लिया। इसके स्टैंड में कलर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर इसे इस कलर से कलर करते हैं स्टैंड को। ये अपने हम लोग चॉइस से इसे कलर करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि लाइट लैम्प का कोई बहुत कंपलसरी कलर ज़रूरी नहीं है, कि कुछ करना ही ज़रूरी है उसी कलर को, वैसा नहीं है। आप इसे अपने चॉइस से भी कलर कर सकते हैं। अब सर्कल में यहाँ पर कलर करते हैं हम लोग ब्लैक कलर, इस तरह से। ये हो रहा है। ठीक है, और नीचे का जो पार्ट है उसे भी हम लोग इसी ब्लैक से कलर करते हैं, इस तरह से। इस तरह से ब्लैक कलर में इसे कलर करेंगे। ये हो रहा है। अब इसके नीचे हम लोग ये ब्लू कलर ऐड करेंगे, क्योंकि लाइट लैंप में कोई भी कलर हम लोग अपने जो भी हमारे हमें लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हमारा ये फर्स्ट लाइट लैंप जो है कंप्लीट हो गया, जो इस स्टेप से हम लोगों ने ड्रॉ किया और फिर कलर। तो फर्स्ट स्टेप से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब एक दूसरे टाइप का हम लोग लाइट लैंप बनाएंगे, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ लाइट लैंप। यहाँ भी एक लाइट लैंप है जो डिफरेंट शेप का है, डिफरेंट साइज का है। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर कितने स्टेप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये भी लैंप जो है वो 6 स्टेप्स में
कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप है जो हम लोग यहाँ ब्लैक कलर से यूज़ करेंगे, और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि ये इस तरह से ज़्यादा नहीं है, इसे इस तरह से कलर करते हैं। हो गया। देन यहाँ पर ये हल्का सा है, उसके बाद थोड़ा सा ऐसा, उसके बाद ये पूरा नीचे आ जाता है इस तरह से, और फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये। हो गया। और एक इसका ऑन करने वाला स्विच। ओके, सो इस तरह से स्लाइट लैम्प को ड्रॉ करेंगे। नाउ वी कलर। सो हम लोग यहाँ कुछ डिफरेंट कलर फिल करने वाले हैं। येलो, येलो कलर से हम लोग इसे फिल करेंगे। स्टार्ट करेंगे आउटलाइन, स्टार्ट करेंगे आउटलाइन से। ये हो गया आउटलाइन। अब इसे पूरा कंप्लीट करेंगे इसका आउटलाइन। देन वी कलर इनर साइड, इस तरह से प्रॉपर इसे कलर करते जाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ इसे अच्छे से कलर करेंगे। ये हो रहा है, हो गया। ओके, सो लाइट लैम्प का ऊपर वाला पार्ट हम लोगों ने येलो कलर कर दिया। नाउ अब इसके नीचे के पार्ट को यहाँ हम लोग ब्लू कलर फिल करेंगे, ब्लू। और इस जगह को भी हम लोग ब्लू कलर से फिल करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ नीचे वाला पार्ट भी जो है वो भी सेम कलर होगा, तो यहाँ भी हम लोग ब्लू कलर यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ ये ब्लू कलर में इसका नीचे का पार्ट कंप्लीट हो रहा है। इसे ब्लैक कलर से इसे लाइन इसकी ड्रॉ कर देंगे। ओके, नाउ अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं इसे इस तरह से कंप्लीट करना है, इस तरह से आउटलाइन। ये हो गया। उसके बाद इसको यहाँ से हम लोग कंप्लीट कर देंगे। नाउ इसके बीच वाले पार्ट को हम लोग अलग दूसरा कलर फिल करेंगे। सो यहाँ पर ये ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, और इसे ग्रीन कलर से फिल करूँगी, क्योंकि लाइट लैम्प का कोई भी कलर हम लोग अपने चॉइस वाइज इसमें फिल कर सकते हैं। ओके, सो ये लाइट लैम्प जिसको स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने वहाँ पर ड्रॉ किया, ये हमारा सेकेंड नाइट लैम्प या लाइट लैम्प है।
ये है एक लाइट लैम्प. कलर द पिक्चर ऑफ लाइट लैम्प. ये एक लाइट लैम्प है जिसे हम लोग सिर्फ कलर करेंगे अपनी चॉइस से. आप लोग भी अभी तक इतनी देर से हम लोग देख रहे हैं वीडियो को कि लाइट लैम्प को कौन सा कलर करना चाहिए, तो आप इसमें अपने चॉइस से कोई भी कलर फिल कर सकते हो. सो फन विद कलर बुक में हमें इस टाइप से ही लाइट लैम्प दिखेगा जो ड्रॉ रहेगा, और उसके ऊपर हमें खुद से अपने चॉइस वाइज इसमें कलर फिल करना है. सो अभी हम लोगों ने बहुत सारे कलर्स के लाइट लैम्प को देखा और ड्रॉ भी किया. सो अब हमारे पास पिक्चर है जिसमें हम लोग खुद से ड्रॉ करेंगे, कलर फिल करेंगे. तो ये फर्स्ट लाइट लैम्प है जिसे ऑरेंज कलर से फिल करना है. यहाँ से स्टार्ट करेंगे आउटलाइन. ये इसे बहुत ही केयरफुली आउटलाइन फिल करना है. ये हो रहा है यहाँ से यहाँ. अब इसे यहाँ से ले जाएंगे और बहुत ही केयरफुली इसे फिल करते जाएंगे. ये हो गया. अब यहाँ भी आउटलाइन हम लोग कर लेते हैं जिससे इसको फिल कर सकते हैं आराम से. ये यहाँ से गया, ये हो गया, ये इसे फिल कर रहे हम लोग. ये हो गया. इस आउटलाइन को एकदम प्रॉपर तरीके से बराबर ला देंगे हम लोग. ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पर कलर फिल करेंगे. ये इसे अच्छे से फिल करते जाए और हर साइड को बहुत अच्छे से फिल करना है. जब तक कलर अच्छे से फिल नहीं करेंगे तो ड्राइंग जो है वो अच्छी नहीं दिखेगी. तो कलर फिल करना यानी प्रॉपर हर पार्ट को कलर करना, अच्छे से करना चाहिए. इस तरह से एक साइड से कलरिंग स्टार्ट करते हुए उसे कंप्लीट लास्ट तक करना चाहिए. जैसे यहाँ हो रहा है, यहाँ एक साइड से स्टार्ट हुआ फर्स्ट आउटलाइन, उसके बाद एक साइड से कलर करना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे कलर को लास्ट पॉइंट तक लेकर के जाएंगे. जितना हो सके हैंड्स को कंट्रोल में रखना है कि वो पिक्चर से बाहर ना जाए, उतने ही जगह में उसे करना है. ये हो रहा है. इस तरह से इसे कलर करेंगे. ओके, अब ये यहाँ का जो लास्ट पार्ट बचा है इसे हम लोग कलर करते हैं. ये इस तरह से यहाँ ये कंप्लीट होने वाला है. ये हो गया. ओके, तो ये ऊपर का पार्ट इस तरह से ऑरेंज कलर में हो गया. अब हम लोग नीचे के पार्ट के लिए ये कलर चूज कर रहे हैं और इससे फर्स्ट क्या करना है, आउटलाइन. आउटलाइन करेंगे और कलर जो लाइन कलर हम फिल कर रहे हैं उसे अच्छे से फिल करते जाएंगे. इस तरह से फिल करते जाएंगे. ये हो गया.
इसका स्टैंड जिस पे ये लाइट लैम्प है उसे अच्छे से फिल कर दिए। नेक्स्ट अब हम लोग ये जो पार्ट है उसे कलर करेंगे और उसे भी इसी कलर से हम लोग कलर करते हैं। यहाँ लाइट लैम्प जो है वो सिर्फ टू कलर्स में ही बन रहे हैं। दूसरे लाइट लैम्प्स को हम लोग कलरफुल करेंगे। यहाँ पर ओनली टू कलर यूज़ हो रहे हैं। इस तरह से ये हो गया। ओके सो हमारा ये फर्स्ट लाइट लैम्प इन टू कलर्स कंप्लीट है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। अब हम लोग दूसरे पिक्चर्स को कलर करेंगे और वो भी अपने चॉइस से। ओके सो यहाँ एक बहुत ही डिज़ाइन से ये डिज़ाइन वाला हमें लाइट लैम्प दिख रहा है और जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं अलग अलग दिख रहा है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, कलरफुल करेंगे। ठीक है, कलर द पिक्चर ऑफ लाइट लैम्प। यहाँ इसे हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर से कलर करेंगे। तो ये जो हमें पहले दिख रहा है सो हम इसे क्या करेंगे, रेड येलो, रेड येलो या रेड रेड येलो येलो, इस टाइप से इसे अलग अलग कलर या में फिल करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग आउटलाइन करेंगे रेड, इस तरह से रेड कलर, ये हो गया रेड, रेड कलर फिल कर देंगे अच्छे से। इस तरह से ये इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं तो इसमें अलग अलग कलर फिल किए जा सकते हैं। ओके और रेड के बाद यहाँ भी रेड हम लोग फिल करते हैं। ये लाइन को एकदम स्ट्रेट ले जाएंगे और यहाँ ये हो गया। अब इसे कलर करता स्टार्ट करेंगे इस तरह से, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ येलो कलर फिल करेंगे इस साइड, ये पूरा पार्ट जो है हम लोग येलो कलर से फिल करेंगे और उसके बाद बीच में हम लोग एक लाइन जो है वो रेड का इसमें फिल करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। ये हो गया, अब इसे फिल करते जाएंगे। ओके सो ये टू कलर्स में हो गया। अब बीच में जो बहुत ज़्यादा येलो हो गया तो अब बीच में रेड कलर जो है वो फिल कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन में, यहाँ यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। ओके ये हो गया हमारा। अब इसे आउटलाइन करेंगे इन ब्लैक कलर, इस तरह से आउटलाइन। तो ये बहुत ही क्लियर हमें दिखेगा। ये हो गया।
और यहाँ भी लाइंस को क्लियर कर देंगे, जिससे ये बहुत ही क्लियर हमें दिखाई दे। ओके, तो ये ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके नीचे स्टैंड के हम लोग कलर फिल करते हैं। सो वी चूज ब्लू कलर, यहाँ से ब्लू कलर स्टार्ट करेंगे। ये ब्लू ब्लू कलर फिल करेंगे यहाँ, और ये जो सर्कल है ये पूरा इसे ब्लू कलर से हम लोग फिल करेंगे। इसे अच्छे से पहले आउटलाइन करते हैं, देन वी फिल ब्लू कलर। इसे अच्छे से आउटलाइन करना है पहले। ये हो रहा है ब्लू कलर। ये इस तरह से ब्लू कलर, हो गया ये कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ और इसके नीचे के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे लाइट ब्लू। इसे इस तरह से बस राउंड करना है। ये हो गया। अब यहाँ पर यहाँ भी और नीचे का जो पार्ट है उसे स्काई ब्लू से, ये कंप्लीट। ओके, सो हमारा ये लाइट लैम्प यहाँ अच्छे से कलर हो गया है। अब हम लोग इसे आउटलाइन करते हैं ब्लैक कलर। ब्लैक कलर से आउटलाइन करने से ये पूरा क्लियर दिखाई देगा, और इसे इस तरह से आउटलाइन करेंगे। इस पिक्चर को भी यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये हो गया। और इस पर एक इस तरह से डिज़ाइन ऐसे भी कर देते हैं। सो हमारा ये ब्यूटीफुल कलरफुल लाइट लैम्प कंप्लीट हो गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पिक्चर में है उसे भी क्या करेंगे, कलर करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये वाला जो थोड़ा सिंपल है, इसे भी हम लोग क्या करेंगे, कलर करेंगे इन वन कलर। फर्स्ट हम लोग लेंगे ग्रीन, ग्रीन कलर से इसे फिल करेंगे। ये इस तरह से इसे फिल करना है। ये हो गया, और इसे अच्छे से फिल करते जाएंगे। इस तरह से पूरा फिल करेंगे। ये हो गया, और यहाँ से पूरा इसे फिल करते जाएंगे। ये इस तरह से ये पूरा ग्रीन कलर है, और ये हो गया। नेक्स्ट इसके स्टैंड को हम लोग करेंगे डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन से हम लोग इसके स्टैंड को कलर करेंगे, और उसके बाद यहाँ नीचे हम लोग करेंगे येलो कलर। येलो कलर से यहाँ पर कलर करते हैं इसके पूरे यहाँ से ये स्टैंड के पार्ट को इस तरह से कलर करेंगे। ओके, ये हो गया। ये बहुत ही सिंपल सा लाइट लैम्प है, और इसमें ओनली 3 कलर यूज हुआ है। नेक्स्ट ये है एक बहुत ही अच्छा सा लाइट लैम्प, और इसे भी हम लोग कलर करेंगे पिंक कलर।
ओके सो स्टार्ट करते हैं पिंक कलर, ये हो गया। इसके बाद इसके ऊपर हम लोग ब्लैक कलर से डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसे इस तरह से कलर फिल करते जाएंगे। और ये बहुत ही डिजाइन इसमें बना हुआ है, और इसे इस तरह से इसमें पिंक कलर फिल करेंगे। ये हो गया। अब एक साइड से स्टार्ट करते हुए कलर पूरे लैंप में फिल करना है इस तरह से। ये हो गया, इसे पूरा फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ये पूरा यहाँ हो गया और यहाँ तक इसे कंप्लीट करते हैं। ओके हो गया। अब ब्लैक कलर से क्या करना है, इसके ऊपर ये डॉट्स बना देने हैं इस तरह से। ये बहुत ही डिजाइन इसका कंप्लीट हो रहा है। हो गया इसका डिजाइन कंप्लीट। अब हम लोग नीचे यहाँ पर ब्लू कलर यूज करेंगे इसके यहाँ के डिजाइन को, इसका जो स्टैंड है उसे कलर करने के लिए इस तरह से। और यहाँ से इसे कंप्लीट करेंगे। और ये जो पार्ट है इसे भी ब्लू कलर से हम लोग कलर करेंगे। ओके सो हमारा ये पिंक लाइट लैम्प जो है वो कंप्लीट हो गया है, और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। हम लोग लाइट लैम्प के ऊपर डिजाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो आवर सब्जेक्ट फन विथ कलर, इसमें आज हम लोगों ने लाइट लैम्प ड्रॉ करना, कलर्स करना और उसके बारे में बहुत सारे डिफरेंट बातों को हम लोगों ने सीखा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।